नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हाल ही में UGC NET 2024 एग्जाम की आंसर की जारी कर दी है। इससे बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने मार्क्स कैलकुलेट करने और अपनी पोजीशन समझने के लिए उत्सुक हैं। UGC NET एग्जाम एकेडमिक्स में एक अच्छे करियर का रास्ता खोलता है। यह इंडियन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए क्वालिफाइंग एग्जाम है। आंसर की रिलीज होने से फाइनल रिजल्ट की तरफ एक अहम कदम बढ़ता है। कैंडिडेट्स अब अपने आंसर्स को ऑफिशियल की से मिला सकते हैं और अगर कोई आपत्ति हो तो उसे उठा सकते हैं। इससे फाइनल रिजल्ट आने से पहले एक फेयर इवैल्यूएशन प्रोसेस सुनिश्चित होता है। रिजल्ट डेट के बारे में NTA की आगे की अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। UGC NET एग्जाम अपने कंपटीशन के लिए जाना जाता है। अलग अलग विषयों के एस्पिरेंट्स इस प्रतिष्ठित एग्जाम को पास करने के लिए महीनों कड़ी मेहनत और तैयारी करते हैं। आंसर की आने के बाद फाइनल रिजल्ट और उसके बाद कट ऑन ऑफ लिस्ट का इंतजार साफ दिखाई देता है। UGC NET एग्जाम का इंडियन एकेडमिक फील्ड में बहुत महत्व है। यह असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चुनाव करने के लिए एक मानक के रूप में काम करता है। इस परीक्षा को पास करने से रिसर्च और टीचिंग के क्षेत्र में एक अच्छे करियर के दरवाजे खुलते हैं। जो लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए NET एग्जाम पास करना जरूरी होता है। यह सुनिश्चित करता है कि युवाओं को शिक्षित करने की जिम्मेदारी केवल योग्य और जानकार व्यक्तियों को ही सौंपी जाए। दूसरी ओर जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्वालिफिकेशन विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च करने के लिए आर्थिक मदद देता है। यह फेलोशिप युवा विद्वानों को ज्ञान और नवाचार को आगे बढ़ाने में योगदान देने का अधिकार देता है। इसलिए UGC NET एग्जाम उन लोगों के लिए एक सीढ़ी का काम करता है जो रिसर्च और टीचिंग के बारे में पैशनेट है। यह उनकी एकेडमिक क्षमता और एजुकेशन के क्षेत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। UGC NET कट ऑफ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो यह तय करता है कि कोई कैंडिडेट जूनियर रिसर्च फेलोशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए क्वालिफाई करता है या नहीं। यह इन पदों के लिए एलिजिबल होने के लिए जरूरी मिनिमम स्कोर को बताता है। NTA कट ऑफ मार्क्स अलग अलग आधार पर तय करता है। इनमें एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल, एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स की संख्या और वैकेंसी की संख्या शामिल है। कट ऑफ आमतौर पर हर सब्जेक्ट और कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है। जनरल, OBC, साउथ कैरोलाइना, ST और PWD जैसी कैटेगरीज के लिए आरक्षण नीतियों के हिसाब से अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। पिछले सालों के कट ऑफ ट्रेंड्स को समझना एस्पिरेंट्स के लिए मददगार हो सकता है। इससे उन्हें एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग मार्क्स का अंदाजा हो जाता है और वे उसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि कट ऑफ हर साल बदल सकता है। UGC NET कट ऑफ का सटीक अनुमान लगाना असंभव है। हालांकि पिछले सालों के ट्रेंड्स और एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल जैसे फैक्टर्स को देखते हुए एक रेंज बताई जा सकती है। यहाँ कुछ पॉपुलर सब्जेक्ट्स के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज दी गई है। साइकोलॉजी जनरल कैटेगरी के लिए 60-65%, इंग्लिश जनरल कैटेगरी के लिए 65-70%, पॉलिटिकल साइंस जनरल कैटेगरी के लिए 58-63%, पत्रकारिता जनरल कैटेगरी के लिए 55-60%, कंप्यूटर साइंस जनरल कैटेगरी के लिए 60-65%, लॉ जनरल कैटेगरी के लिए 62-67%, एजुकेशन जनरल कैटेगरी के लिए 58-63%। याद रखें, ये सिर्फ पिछले ट्रेंड्स के आधार पर अनुमान है। असली कट ऑफ अलग हो सकता है। क्वालिफाई करने के अपने चांस बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने का लक्ष्य रखना चाहिए। भाग 5, कैटेगरी वाइज कट ऑफ को समझना। UGC NET एग्जाम भारत सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीतियों का पालन करता है। इसका मतलब है कि अलग अलग कैटेगरीज के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स अलग अलग होते हैं। इन कैटेगरीज में जनरल, OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, साउथ कैरोलिना यानी अनुसूचित जाति, ST यानी अनुसूचित जनजाति और PWD यानी दिव्यांगजन शामिल हैं। आरक्षित कैटेगरीज के लिए कट ऑफ आमतौर पर जनरल कैटेगरी से कम होता है। यह सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी विशेष विषय के लिए जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 60% है तो OBC का कट ऑफ 55%, साउथ कैरोलिना या ST का 50% और इसी तरह हो सकता है। अपनी कैटेगरी के लिए विशेष क्वालिफाइंग मार्क्स जानने के लिए आधिकारिक UGC NET नोटिफिकेशन देखना जरूरी है।
यह जानकारी आमतौर पर रिजल्ट के साथ NTA की वेबसाइट पर उपलब्ध होती है। भाग 6 UGC नेट कट ऑन ऑफ को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स। हर साल कई फैक्टर्स UGC नेट कट ऑन ऑफ को प्रभावित करते हैं। इन फैक्टर्स को समझने से एस्पिरेंट्स को एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग मार्क्स का अंदाजा लगाने में मदद मिल सकती है। मुख्य फैक्टर्स में से एक है एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल। अगर एग्जाम मुश्किल माना जाता है तो कट ऑन ऑफ आसान एग्जाम की तुलना में थोड़ा कम हो सकता है। एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स की संख्या भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैंडिडेट्स की ज्यादा संख्या अक्सर ज्यादा कंपटीशन का कारण बनती है, जिससे कट ऑन ऑफ BRH सकता है। अन्य फैक्टर्स में JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए वैकेंसी की संख्या, आरक्षण नीतियां और एग्जाम में कैंडिडेट्स का ओवरऑल परफॉर्मेंस शामिल है। इन फैक्टर्स पर नजर रखने से कट ऑन ऑफ ट्रेंड्स पर एक व्यापक दृष्टिकोण मिल सकता है। भाग 7 ऊंचा लक्ष्य कट ऑन ऑफ पार करने के फायदे। UGC NET कट ऑन ऑफ पास करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह एकेडमिक्स और रिसर्च में एक अच्छे करियर के दरवाजे खोलता है। जो कैंडिडेट्स इस बाधा को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं वे असिस्टेंट प्रोफेसर और JRF जैसे प्रतिष्ठित पदों के लिए योग्य हो जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से आप युवाओं को शिक्षित कर सकते हैं और एजुकेशन सेक्टर में योगदान दे सकते हैं। JRF क्वालिफिकेशन आपके चुने हुए क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए आर्थिक सहायता देता है, जिससे आप PhD डिग्री और एकेडमिक्स में करियर बना सकते हैं। इसके अलावा UGC नेट एग्जाम पास करने से आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और आप विभिन्न एकेडमिक और रिसर्च से जुड़ी नौकरियों के लिए एक पसंदीदा कैंडिडेट बन जाते हैं। यह आपके ज्ञान, कड़ी मेहनत और आपके चुने हुए क्षेत्र के प्रति समर्पण का प्रमाण है। भाग 8 सफलता का मंत्र UGC नेट 2024 की तैयारी कैसे करें। UGC नेट एग्जाम की तैयारी के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण और समर्पित प्रयास की आवश्यकता होती है। सिलेबस को अच्छी तरह से समझकर शुरुआत करें और एक वास्तविक स्टडी प्लान बनाएं। विषयों की अपनी वैचारिक समझ को मजबूत करने पर ध्यान दें। एग्जाम पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल से खुद को परिचित करने के लिए पिछले सालों के प्रश्न पत्रों और मॉक टेस्ट का अभ्यास करें। एग्जाम के दौरान समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दिए गए समय सीमा के भीतर प्रश्नों के उत्तर देने का अभ्यास करें। जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन संसाधनों, रेफरेंस बुक्स और कोचिंग क्लासेस का उपयोग करें। करंट अफेयर्स और अपने क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों से अपडेट रहें, क्योंकि UGC नेट एग्जाम में अक्सर सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न शामिल होते हैं। भाग 9 संसाधनों का उपयोग। सफलता के लिए आपका मार्गदर्शक। आपकी UGC नेट तैयारी यात्रा में सहायता के लिए ढेर सारे संसाधन उपलब्ध हैं। एक मजबूत फाउंडेशन बनाने के लिए अपने विषय के लिए सुझाई गई मानक किताबों का संदर्भ लें। एग्जाम पैटर्न को समझने और अपनी खूबियों और कमजोरियों की पहचान करने के लिए पिछले सालों के प्रश्न पत्रों और मॉक टेस्ट को हल करें। दूसरे एस्पिरेंट्स से जुड़ने, अध्ययन सामग्री साझा करने और संदेहों को दूर करने के लिए ऑनलाइन फोरम और स्टडी ग्रुप्स में शामिल हों। अगर आप स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस और एक्सपर्ट इंसाइट्स पसंद करते हैं तो कोचिंग क्लासेस में दाखिला लेने पर विचार करें। याद रखें, कुंजी उन संसाधनों को चुनना है जो आपकी सीखने की शैली और पसंद के साथ मेल खाते हों। एक व्यापक अध्ययन योजना बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन संसाधनों के संयोजन का उपयोग करें। भाग 10 आखिरी तैयारी एग्जाम के दिन के लिए टिप्स। जैसे जैसे UGC NET एग्जाम का दिन नजदीक आता है, वैसे वैसे एग्जाम से पहले घबराहट होना स्वाभाविक है। सुनिश्चित करें कि आपके पास आपका एडमिट कार्ड, एक मान्य फोटो ID प्रूफ और अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार हैं। आखिरी समय में किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए एक दिन पहले परीक्षा केंद्र जाएं और वहां की जगह से खुद को परिचित कराएं। एग्जाम के दिन शांत और संयमित रहें। आखिरी समय में कुछ भी रटने से बचें और जो आपने पहले ही पढ़ लिया है उस पर ध्यान केंद्रित करें। परीक्षा के दौरान अपने समय का बुद्धिमानी से प्रबंधन करें। पहले उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें जिनके बारे में आप आश्वस्त हैं। एक ही प्रश्न पर बहुत अधिक समय बिताने से बचें। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और अपनी तैयारी पर विश्वास रखें।